एवरीवन, आप सभी का संगीताज एकेडमी में स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं सीटेट की प्रिपरेशन कराती हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं साइंस, मैथ्स और ईवीएस के कंटेंट पोस्ट करती हूँ। फिलहाल के लिए ईवीएस का कंटेंट मैंने पोस्ट नहीं किया है क्योंकि एनसीईआरटी की जो ईवीएस की नई बुक है वो अभी आ रही है, तो उस पर भी कंटेंट आएगा इन फ्यूचर। और फिलहाल के लिए मैं साइंस और मैथ्स का जो कंटेंट है वो यहाँ पर अपने चैनल में अपलोड कर रही हूँ। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक आई है फॉर क्लास 6, तो उसकी जो साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करवा रही हूँ। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत से ऐसे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जहाँ से आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी, जैसे कि मैराथन सेशंस है, प्रैक्टिस सेट्स है, इंग्लिश पैसेज एंड पोएम है, हिंदी पैसेज एंड पोएम है, CDP की एक ही वीडियो डली है जेंडर स्टीरियोटाइप्स से रिलेटेड, और फिर यहाँ पर आपके पास मैथ और मैजिक में जो मैथ्स के वीडियोज़ है वो यहाँ पर डलेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2018 से लेकर 2024, इन सालों में जितने भी सेट्स ऑफ क्वेश्चन बने हैं सीटेट के, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन पेपर है सॉर्ट किए गए हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और रह जाता है यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको यहाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, कि टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने अलग अलग से करवाया हुआ है। तो अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन साइंस। सो अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन साइंस को अगर हम समझें, तो उसके लिए मैं आपको अपने बचपन की ही एक कहानी सुनाना चाहती। तो जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते थे, तो मुझे लगता था कि अर्थ तो पूरी गोल है, ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम स्पेस में चले जाएंगे, मतलब हम अर्थ से छूटकर कहीं और चले जाएंगे। बट तब हमारे पास जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो उतना कुछ खास क्लियर नहीं था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि सपोज यहाँ पर अर्थ ऐसा गोल है, तो यहाँ का इंसान अगर इस जगह पे आएगा तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, वो स्पेस में चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता था तब मैं छोटी थी। दूसरा चीज़ क्या है कि जब हम छोटे क्लासेस में होते हैं, तो तब के ज़माने में जो किताबें होती थी तो वो क्या बताते हैं कि अर्थ की शेप कैसी है, राउंड है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, बच्चों में कुछ गलत आइडियाज क्रिएट हो जाते हैं फॉर द टॉपिक, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक टॉपिक से रिलेटेड गलत आइडियाज उनमें क्रिएट हो जाती है और वो डीप रूटेड हो जाती है, मतलब उसको आप बाद में अगर एविडेंस देके बदलना भी चाहे तो, क्योंकि वो डीप रूटेड है तो वो आसानी से उनमें चेंज नहीं आता है, ठीक है, वो एकदम अंदर तक घर कर जाती है। तो जैसे कि अभी फिलहाल मैंने देखा है कि टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है कि जो अर्थ का शेप है वो एक ऑरेंज जैसा है, जहाँ पर जो पोल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है, तो ये बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द शेप ऑफ अर्थ है, इस टाइप का शेप है। तो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन अगर हम समझना चाहें, तो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन एक्चुअली क्या है कि हमारे अंदर, लाइक लर्नर्स के अंदर, इवन बड़ों के अंदर भी कुछ कुछ गलत आइडियाज रह जाते हैं, क्योंकि जब उनके मन में प्रश्न आया था तो उन्होंने जिससे भी पूछा होगा वो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो जो गलत आइडिया है वो वही बस गई है। जैसे कि मुझे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि जो बारिश होती है वो भगवान कराता है, या फिर जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो भगवान कराते हैं, बट एक्चुअली इसका तो साइंटिफिक कुछ रीज़न है। तो ये जो बच्चे आकर ऐसे ऐसे बातें करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो आइडियाज़ फ्रेम हुई है, जो बनी है, वो गलत आइडियाज़ बनी है। तो हम उसको गलत आइडियाज ना बोल के क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस। तो थोड़ा बहुत मेरे बोलने से आपको समझ में तो आ गया होगा कि ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल समझेंगे। तो व्हाट आर ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन साइंस, तो जो साइंस है या साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस का मतलब क्या है। ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन साइंस, ऑल्सो नोन एज मिसकंसेप्शंस और ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, रेफर टू इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग्स और आइडियाज दैट लर्नर्स डेवलप अबाउट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। सो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस का मतलब क्या है कि लर्नर्स में कुछ मिसकंसेप्शंस होना या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस होना क्यों हो रहे, क्योंकि उनकी जो इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है या इनकरेक्ट आइडियाज है किसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को लेके। तो अगर हम मिसकंसेप्शंस बोले या इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग्स बोले तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, इसलिए इसको बेटर वे में हम कैसे एड्रेस करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्शन, मतलब उनमें आइडिया तो है बट जो एक्चुअल होना चाहिए आइडिया उससे हटके है, ठीक है। दीज मिसकंसेप्शंस कैन परसिस्ट इवन आफ्टर इंस्ट्रक्शन,
तो कह रहे हैं कि अगर लर्नर्स को समझाया भी जाए अच्छी तरीके से कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे ऐसे होता है, फिर भी क्या होता है कि उनमें ये गलत जो अंडरस्टैंडिंग है वो रह जाती है, क्योंकि वो डीप रूटेड है, अंदर तक समाई हुई है, आसानी से इसको बदला नहीं जाता। तो यहाँ पर टीचर का रोल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनको भी क्या होता है कि जो लर्नर सेंट्रिक वे में उसको समझाना होता है, ताकि उसके जो भी मिसकंसेप्शंस है या अल्टरनेटिव कंसेप्शंस है उसको वो दूर कर सके। एंड मे हिंडर अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू ग्रास्प एक्यूरेट साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो ये क्या करता है कि अगर जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को पता ना हो, ठीक है, अगर उनको गलत आइडियाज पता हो, तो क्या होता है कि उनकी जो सीखने की क्षमता है उसमें बाधा आती है, ठीक है, एक्यूरेट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझने में बाधा आती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लड़की पैदा होने से आज भी रोया जाता है, या जो माँ होती है उसको कोसा जाता है, तो ऐसा जो चीज़ चलता हुआ आ रहा है कि जो लड़की पैदा होती है उसमें माँ का रोल है, ये भी एक तरीके का अल्टरनेट कॉन्सेप्शन ही है। अब क्योंकि उन राज्यों में लड़कियों को उतना शिक्षा दिया नहीं जाता, उनको लिटरेट नहीं किया जाता है, तो क्या होता है कि माँ को भी लगता है कि अच्छा मेरे वजह से ही ऐसी बेटी पैदा हुई है। बट इसका साइंटिफिक रीज़न कुछ और है, क्योंकि गैमेट में कौन सा क्रोमोसोम था, हाँ, वो फ्यूज़ करने से उस हिसाब से डिसाइड होता है कि लड़का होगी कि लड़की होगी। और लड़कियों में तो सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, जो कि है एक्स क्रोमोसोम। तो लड़की होना ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मेल के स्पर्म में एक्स है कि वाई है, उस पे डिपेंड करता है कि लड़का होगी या लड़की होगी। अब अगर उन राज्यों को हम देखें जहाँ पर ऐसा सोचा जाता है कि लड़की जो जन्म देती है उनकी माताओं को कोसा जाता है, तो माताओं को भी लगता है कि हाँ ये मेरी ही गलती है, वो अपने बच्चों के भी यही सिखाते हैं, तो उनमें भी ये एक चीज़ डीप रूटेड घर कर जाती है कि अच्छा अगर कभी लड़की पैदा होती है तो इसमें माँ की ही गलती है, ठीक है, इसमें औरत की ही गलती है। तो ये भी एक ऑल्टरनेट कंसेप्शन ही है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सही जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो उनको पता नहीं होती, सही ज्ञान उनको नहीं मिलता है। तो ये गया ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या होता है। अब ये जो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस है इसकी कुछ फीचर्स होती है, तो उनको पढ़ा जाए। तो फीचर्स जो है वो पहली वाली फीचर क्या है, परसिस्टेंस। ऑल्टरनेट कंसेप्शंस कैन परसिस्ट ओवर टाइम, तो ये लंबे समय तक ऐसे ही रह जाती है, इवन व्हेन कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एविडेंस। आप एविडेंस लाइक आप प्रूफ दिखा रहे हैं कि आपको जो पता है वो गलत बात है, स्टिल क्योंकि वो डीप रूटेड है, वो अंदर तक बहुत ही जम के बैठी हुई है, तो वो चलती रहती है, वो गलत आइडियाज़ को लेकर ही इंसान या लर्नर्स चलते रहते हैं। दूसरा जो फीचर है, रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब जो बदलाव जल्दी से इनमें बदलाव नहीं आता है। स्टूडेंट्स में रेजिस्ट एक्सेप्टिंग करेक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ड्यू टू देयर प्री एग्जिस्टिंग मिसकंसेप्शंस। तो उनकी जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत आइडियाज़ हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको जो तर्क देकर हम सही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसे मानना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि मुझे जो पता है, जो मेरी बिलीफ है, वही सही है। तो बदलाव लाने से वो हिचकिचाते हैं, रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू चेंज है। तीसरा जो फीचर है वो है कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंस। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मिसकंसेप्शंस ऑफन अराइज फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंसेस और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट्स। तो देखिए, जो बच्चे हैं तो बच्चे अपने आसपास होती हुई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभार वो ये ऐसा क्यों हो रहा है ये अपने बड़ों से पूछते हैं, तो बड़े अगर ठीक से उस चीज़ का सही उत्तर ना दे या सही तरीके से वो एक्सप्लेन ना करे, तो बच्चे अपने मुताबिक कुछ एक एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं, अपने मुताबिक कुछ एक रीज़न बना देते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ कम्प्लीटली समझ नहीं आई है, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस को वो जोड़ जोड़ के अपना ही कुछ एक आइडिया बना लेते हैं। इसके चलते क्या होता है कि ये ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्रिएट होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, फीचर है, वो है वेरिएबिलिटी। तो यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स में डेवलप डिफरेंट ऑल्टरनेट कंसेप्शंस फॉर द सेम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। तो सपोज चेंज इन सीजन्स क्यों होता है, ये टीचर पढ़ा रही हैं, तो एक बच्चे में गलत जो मिसकंसेप्शन है वो ये होगा कि जो अर्थ की दूरी है सूरज से वो वैरी करती है, जिस वजह से चेंज इन सीजन होता है, ठीक है। कोई बोल देगा कि चेंज इन सीजन तो भगवान करवाते हैं, ठीक है, कोई एक सुपरनेचुरल पावर को उन्होंने जिंदेदार ठहरा दिया चेंज इन सीजन के लिए। तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्या था, चेंज इन सीजन, बट अलग अलग स्टूडेंट में अलग अलग ऑल्टरनेट कंसेप्शंस है, तो वेरिएबिलिटी भी दिखती है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है, स्पेसिफिसिटी। ऑल्टरनेट कंसेप्शंस आर ऑफन स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स
rather than being generalized misunderstandings of science as a whole. तो जो learners होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि scientific जितने भी concepts हैं सभी में उनमें मतलब उनको गलत चीज़ें पता है. वो कुछ topic specific alternate conceptions होता है. जैसे किसी बच्चे को friction ठीक से नहीं पता, उसको friction के बारे में ठीक से नहीं समझाया गया है, तो friction का जो concept है उससे related उसके बहुत सारे गलत ideas हैं, misconceptions हैं. बट बाकी की जो चीज़ें हैं, व्हाट इज़ फोर्स वगैरह, उसको क्लियरली समझ में आती है, वहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो ये टॉपिक स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं कि ये अल्टरनेट कंसेप्शंस होता है. साइंस एज अ होल, मतलब पूरा साइंस ही उसको समझ नहीं आता है, पूरा साइंस ही डामाडोल है, वैसा चीज़ नहीं है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल्टरनेटिव जो कॉन्सेप्शंस है उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये होते हैं लर्नर्स में. तो रीजंस जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि एवरीडे एक्सपीरियंस. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत सी चीज़ें होते हुए देखते हैं. तो सपोज एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो अपने घर में बहुत सी चीज़ें होते हुए देख रहा है. वो देख रहा है स्विच ऑन करने से लाइट जलती है, ठीक है. वो देख रहा है कि जब हम दूध उबालते हैं तो दूध फूल जाता है. तो बहुत सी चीज़ें वो नई नई चीज़ें देख रहा है. अब कभी कभार अगर वो अपने घर वालों से पूछता है तो अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिले तो फिर तो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस नहीं होगी. बट अगर बड़े भी ठीक से उसको समझा ना पाए तो वो कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को समझ लेता है, जो कि ज़्यादातर गलत ही होती है, जिसकी वजह से अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस क्रिएट होते हैं. फिर दूसरी बात वही है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, किसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में सही समझ ना होना, ठीक है, या सही इंफॉर्मेशन ना मिलना, उसके चलते अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस क्रिएट होते हैं. फिर आता है मिसलीडिंग एनालॉजीज. आजकल बहुत ही ज़्यादा एनालॉजीज का इस्तेमाल होता है. एनालॉजीज का मतलब क्या है कि टीचर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ का उदाहरण देते हैं जिससे बच्चे परिचित हैं, उसको समझाने के बाद वो फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, हम आई का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन समझाने के लिए कैमरे का जो एनालॉजी है वो ले सकते हैं, क्योंकि कैमरा जो है वो बच्चों ने देखा है, उससे वो परिचित है. तो कैमरा कैसे फंक्शन करता है अगर वो हम सबसे पहले थोड़ा सा समझा दे बच्चों को, तो आई की फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर भी बच्चे इजीली रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे. अब अगर हम एनालॉजीज ही है उसको ही हम गलत तरीके से प्रेजेंट करें तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे थे वो बच्चों को ठीक से समझ नहीं आएंगे, वो कुछ गलत ही समझेंगे और इसके चलते क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्रिएट होंगे. तो एनालॉजीज को जब हम एक्सप्लेन कर यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्सप्लेनिंग एनी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, अगर वो सही तरीके से हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो इट मे लीड टू मिसकंसेप्शंस. फिर जो चौथा रीजन है वो है प्री कॉन्सेप्ट नोशन, मतलब पहले से ही जो बिलीव्स होती है या जो हमारे कल्चर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस को शेप करता है. मतलब पहले से ही कुछ धारणाएं होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होती है, फिर हमारे कल्चर का भी हम पर इन्फ्लुएंस होता है, तो जिसके चलते भी बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस, रॉन्ग आइडियाज हम अपने मन में घर कर लेते हैं. लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल चेंज, सो डिफिकल्टी इन रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग मिसकंसेप्शंस विद एक्यूरेट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. तो लर्नर्स को बड़ी दिक्कत होती है कि उनके जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं उनको रिप्लेस करना विथ एक्यूरेट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. तो बहुत लोग इस मतलब जैसे वहाँ पे पॉइंट दिया हुआ था ना, रेजिस्टेंस टू चेंज, तो वो क्या है कि अपने बिलीव्स के साथ ही वो क्या करते हैं, चिपके रहते हैं. मतलब वो अपनी इन रॉन्ग बिलीव्स को या मिसकंसेप्शंस को छोड़ना नहीं चाहते. उनके लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, उससे जो मिसकंसेप्शन है उनको हम रिप्लेस करें. फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल फैक्टर्स. सो टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स में इन एडवर्टेंटली रीइन्फोर्स मिसकंसेप्शंस. तो अभी तो चलिए जो टीचर्स है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू, डेमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, इनके माध्यम से कोई भी टॉपिक को समझा रहे हैं. पहले के ज़माने में क्या था, लेक्चर मेथड. अब लेक्चर मेथड से बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस में जो बच्चों को ठीक से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि बच्चे समझते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से, एक्टिविटीज़ से, खुद करके सीखते हैं. तो सपोज़ अगर हम कुछ ऐसा टॉपिक, सपोज़ हम फ्रिक्शन समझा रहे हैं, तो फ्रिक्शन सिर्फ हम बोल के चले गए तो उससे बच्चा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझेगा. तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे टीचिंग मेथड्स में ही खामियां रहती हैं, हम प्रॉपरली उसको डिलीवर नहीं कर पाते, प्रॉपरली बच्चों को समझा नहीं पाते, जिसके वजह से बच्चों में मिसकंसेप्शंस बनती हैं, ठीक है.
और फिर आता है कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स मतलब क्या बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल्स में इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। तो उनकी जो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होती है उस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से अल्टरनेटिव कंसेप्शंस होते हैं इन साइंस। अब हम अल्टरनेटिव कंसेप्शंस के जो एग्जांपल्स हैं उनको समझेंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि व्हाट इज अल्टरनेट कंसेप्शंस और क्या गलत गलत मिसअंडरस्टैंडिंग या जो धारणाएं हैं वो लर्नर्स में होती है रिगार्डिंग एनी साइंटिफिक टॉपिक। द बिलीफ दैट हेवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर किस चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग है? ग्रेविटी की। तो ऐसे बहुत से लर्नर्स मानते हैं कि जो भारी वस्तु होती है वो जल्दी गिरती है एज कम्पेयर टू हल्की वस्तु। तो यहाँ पर ऐसे मानने वाले लर्नर्स में कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है? ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है। व्यूइंग द सीजन्स एज कॉज्ड बाय अर्थ्स वेराइंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो जो चेंज इन सीजन होता है, ठीक है, मतलब जो मौसम बदलते हैं, तो लर्नर समझते हैं कि अर्थ की दूरी सूरज से वैरी करती है जिस वजह से सीजन में बदलाव आता है। बट उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? वो है अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, ठीक है, जिस वजह से चेंज इन सीजन होता है। नेक्स्ट जो है, बिलीविंग दैट द फेजेस ऑफ मून आर कॉज्ड बाय अर्थ्स शैडो। तो जो हम देखते हैं कि मून का आकार बढ़ता है फिर घटता है, तो लर्नर समझते हैं कि क्या पृथ्वी की जो छाया पड़ती है मून पे उस हिसाब से मून में जो परिवर्तन आता है वो हमको दिखता है। बट इसका एक्चुअल रीजन क्या है? वो ये है कि जो सन की रोशनी जितने एरिया को, मतलब सन की रोशनी जितने मून के एरिया पर पड़ती है उतना ही हिस्सा हमको नजर आता है। इसीलिए हमको जो मून की पोजीशन सन के रेस्पेक्टिव में कैसी है उस पर निर्भर करता है कि हम मून का कैसा शेप देखेंगे, क्रिसेंट देखेंगे, गिबस फॉर्म देखेंगे, क्वार्टर देखेंगे, ठीक है। तो जो फेजेस ऑफ मून है वो अर्थ के शैडो पड़ने से नहीं होता है, वो होता है मून की पोजीशन रिलेटेड टू सन, और सन रे मून के जितने हिस्से पर पड़ती है उतना ही हिस्सा अर्थ के लोगों को नजर आता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, जो मून का शेप है वो बदलता है। नेक्स्ट, बिलीविंग दैट शार्क्स डोंट हैव बोन्स। तो हम ऐसा मानते हैं, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है बोनी फिश और कार्टिलिजिनस फिश, तो बोला जाता है कि कभी कभार टेक्स्ट बुक में ऐसे दे देते हैं कि शार्क्स डोंट हैव बोन्स। तो ऐसा लिखा हुआ होने से ना बच्चे समझते हैं कि अच्छा उनमें कोई स्केलेटन नाम की चीज़ नहीं होती, उनमें बोन्स नहीं होता है, बट जो होता है उनका स्केलेटन वो कैसा है? कार्टिलिजिनस है। तो देखिए टीचर किस तरीके से कोई टॉपिक को समझा रहा है, यहाँ पर टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है कि कहीं वो ऐसी कुछ चीज़ें ना बोल दे जिसके वजह से बच्चों में मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो। तो जो शार्क होती है उनमें स्केलेटन होता है बट वो बोन ही नहीं है, वो कार्टिलेजिनस है। थिंकिंग दैट सन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। तो ऐसे बहुत पुराने समय में जब लोगों को ज्ञान नहीं था, ठीक है, कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है, तो जो क्योंकि वो पृथ्वी पर रहते थे तो जो सूरज है वो उनको लगता था जैसे वो मूव कर रहा है, यानी कि पृथ्वी स्थिर है और जो सूरज है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। तो ऐसा मिसकंसेप्शन तब लोगों में हुआ था, बट अभी हमको पता है। तो इसका एक्चुअल क्या है, क्या सही इसका तर्क है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है। थिंकिंग दैट डायनासोर्स एंड ह्यूमंस को एग्जिस्टेड इन द सेम पीरियड। तो बहुत से लर्नर्स को लगता है कि डायनासोर्स और ह्यूमंस साथ साथ रहते थे, बट ऐसा नहीं है। थिंकिंग दैट एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। अब ये वाली चीज़ हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है। देखिए जब हमको वायरल फीवर होता है तो डॉक्टर्स हमको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, बट अगर आपने ठीक से पढ़ाई की होगी तो जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियल डिजीजेस के ऊपर इफेक्टिव है, वो वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट नहीं करती। तो जब हमको वायरल फीवर होता है तो हमको क्यों दिया जाता है एंटीबायोटिक्स? तो देखिए फीवर होने से क्या है कि हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि मेरी इम्यून सिस्टम प्रॉपरली अभी काम नहीं कर रही है, जितना उसको करना चाहिए वो नहीं कर रही है, तो इस टाइम हम ससेप्टेबल हो जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी। तो फर्दर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उस वजह से हम लोगों को एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अब जो लर्नर जाएगा डॉक्टर के पास उसको लगेगा कि अच्छा वायरल इन्फेक्शन होने से हमको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है वो वायरल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव है, वो वायरस को मारती है। बट ये जो मिसकंसेप्शन है इसको जो टीचर्स है या जो घर के बड़े हैं अगर उनको पता हो तो उन्हें इसको सही से बताना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, वो बैक्टीरिया को मार सकते हैं, वायरस को नहीं।
उसके बाद है बिलीविंग दैट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल. तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नाम से ही लोगों को लगता है कि सभी बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, बट देयर आर मेनी बेनिफिशियल और हार्मलेस बैक्टीरिया ऑल्सो. तो ये सोच लेना कि बैक्टीरिया, क्योंकि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि वो हार्मफुल है, तो ऐसा नहीं है. तो ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है. मिसकंसेप्शन दैट ब्लड इन वेन्स इज ब्लू. तो आपने देखा ही होगा कि टेक्स्ट बुक में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ब्लू कलर से दर्शाया जाता है. तो बच्चे देख के समझते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो ब्लड वेन से गुजरती है वो नीले रंग की होती है. बट ये एक क्या है, मिसकंसेप्शन है. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो डार्कर शेड ऑफ रेड होती है. तो ये ब्लू से क्यों दर्शाया जाता है, ताकि जो डबल सर्कुलेशन है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्टूडेंट को अच्छे से समझ आए. क्योंकि अगर हम रेड का ही शेड लेंगे तो उससे कन्फ्यूजन हो सकती है. तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में. नेक्स्ट जो है, बिलीव दैट ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम कैन बी इनहेरिटेड बाई ऑफस्प्रिंग. तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना इवोल्यूशन चैप्टर में, कि लैमार्क को लगता था कि सपोज किसी के पिताजी जिम में जा रहे हैं और खूब वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से मसल बना लिया है, सिक्स पैक एब्स बना लिया है, तो उनका जो बच्चा होगा जब वो जन्म लेगा तो उसका भी ऐसे ही मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, ऐसा वो बिलीव करते थे. बट ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो हम ट्रेट्स एक्वायर करते हैं अपने जीवन काल में वो हमारे जीन्स में नहीं जाते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, लैमार्कियन इनहेरिटेंस का ये जो कॉन्सेप्ट था. तो ये गलत बात है कि जो ट्रेट्स हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में वो हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचती है. हमारा जो जेनेटिक कंपोजिशन है या जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे गैमेट्स में जो ट्रेट्स रहेंगे वही हमारे बच्चों को मिलेंगे. तो ये कुछ थे मिसकंसेप्शंस जिनको हम अभी ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस इन साइंस जो स्टडी कर रहे थे वो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए थे. आशा करती हूँ कि इन एग्जाम्पल्स से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि किस टाइप के ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते हैं साइंस में. अब सब कुछ तो हमको समझ में आ गया कि ऑल्टरनेट कंसेप्शंस क्या होते हैं, उसका कारण क्या है, उसके फीचर्स क्या है. तो अब ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो इसको हमको रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा. तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहला तो सोल्यूशन क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि लर्नर्स में ऑल्टरनेट कंसेप्शंस हैं. तो पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करानी होती है. सपोज आपने एक छोटा सा टेस्ट ले लिया किसी टॉपिक के ऊपर, तो बच्चे ने किस आंसर को टिक किया है या उसने क्या आंसर दिया है उसको पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग उसकी कोई मिसकंसेप्शन है कि नहीं है. सो आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक ऑल्टरनेट कंसेप्शंस दैट स्टूडेंट्स होल्ड थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड डायलॉग, या फिर क्लासरूम इंटरेक्शन के थ्रू भी अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चा क्या आंसर कर रहा है उस बेसिस पे भी आपको पता चल जाता है कि बच्चे को सही चीज़ पता है या कुछ गलत आइडियाज उसके मन में है रिगार्डिंग दैट टॉपिक. सो डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप कैसे करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू या फिर क्लासरूम इंटरेक्शन में जो डायलॉग होगा आपके बीच में और स्टूडेंट के बीच में उससे भी आपको पता चल जाता है. नेक्स्ट जो है, प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. तो जब आपको पता चला कि लर्नर में ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस है तो फिर आपको उसका जो एक्यूरेट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो उसके सामने प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, विद प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर एग्जाम्पल, या फिर आप एक्टिविटी करवा के उसको दिखा दीजिए कि ऐसा ऐसा होता है, आप जो समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है, ठीक है, गलत है, ऐसा तो बोलना अभी मना है क्योंकि नेगेटिव कोई भी टॉक्स हमें बच्चों के साथ करनी नहीं है कि आप गलत है, आपको गलत पता है, ऐसा नहीं बोलना है. आप बोल सकते हैं कि देखिए ये जो हमने अभी करके सीखा, तो यहाँ पर देखिए आप जैसे समझ रहे थे वैसा हमको कंक्लूजन नहीं मिला. तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, जो एक्यूरेट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उसको आपको प्रेजेंट करना होगा, ताकि जो लर्नर्स में मिसकंसेप्शन है वो हम उसको रेक्टिफाई कर सकें. नेक्स्ट जो है, एड्रेस रूट कॉजेस. So we have to understand why students hold these misconceptions and provide experiences that challenge these beliefs. तो वो ऐसा क्यों समझ रहे हैं, उनमें गलत धारणाएं क्यों है, उसका भी पता हमको लगाना है और उसको हटाने के लिए, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमको उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाने होंगे थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू प्रोजेक्ट वर्क और थ्रू एनी काइंड ऑफ टीचिंग एड, थ्रू डेमॉन्स्ट्रेशन, ताकि उनकी जो ये बिलीफ है उसको हम रिप्लेस कर सकें. फिर जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है टू रेक्टिफाई ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस इन साइंस वो है एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज. एज फॉर एग्जांपल, वी कैन एंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज दैट प्रॉम्प्ट देम टू कन्फ्रंट एंड रिवाइज देयर मिसकंसेप्शंस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन.
तो हम बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे जहाँ पर जब वो कर रहे हैं वो एक्टिविटी, तो वो खुद ही अपने आप को क्वेश्चन करें कि अच्छा मुझे तो ऐसा लगता था बट एक्टिविटी करते वक्त तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे जो पता था वो मुझे गलत पता था क्योंकि जैसा मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे वैसा नहीं मिला। तो इस तरीके से हमको एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज फ्रेम करनी होगी। वी हैव टू एंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज सो दैट दे कैन कन्फ्रंट एंड रिवाइज देयर मिसकंसेप्शंस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन। और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, जो लास्ट वे ऑफ रेक्टिफाइंग ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस है वो क्या है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ऐसा नहीं कि आपने लर्नर में एक दो बार ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस देख लिए और आपने छोड़ दिया, आपको अपने हर क्लास में मॉनिटर करना होगा कि क्या बच्चों को इस टॉपिक के बारे में सही बात पता है या उनमें कोई प्री कंसीव नोशंस है या मिसकंसेप्शंस है। सो वी हैव टू मॉनिटर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ओवर टाइम टू एंश्योर दैट मिसकंसेप्शंस आर नॉट ओनली करेक्टेड बट रिप्लेस विद एक्यूरेट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो हर क्लास में टीचर को तत्पर रहना है कि पहले तो वो चेक कर ले कि जो टॉपिक वो पढ़ाने वाली है उसके बारे में बच्चों को कितना सही से पता है, अगर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं तो उसको ठीक तरीके से एक्यूरेट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे के रिप्लेस भी करना है। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है कभी कभार, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एड्रेसिंग ऑल्टरनेट कंसेप्शंस रिक्वायर्स पेशेंस। तो जो टीचर हैं उनमें धैर्य होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही मिनट में जो ये डीप रूटेड आइडियाज़ है वो हटने नहीं वाले, इसको आपको बार बार थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन डिस्कशन इसको आपको चेंज करना होगा। सो एड्रेसिंग ऑल्टरनेट कंसेप्शंस रिक्वायर्स पेशेंस, धैर्य की बहुत ज़रूरत है। टारगेटेड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, तो जिस कॉन्सेप्ट को बच्चा गलत समझ के आ रहा था इतना दिन, तो आपको उसी कॉन्सेप्ट को टारगेट करके आपका जो टीचिंग मेथड है या जो स्ट्रैटेजी है उसको फ्रेम करना पड़ेगा ताकि बाई गिविंग प्रॉपर एग्जाम्पल्स और एंगेजिंग द स्टूडेंट इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज आप उस चीज़ को रिप्लेस कर सके विद करेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड द स्टूडेंट्स थॉट प्रोसेसेस। और ये आप कब कर पाएंगे, जब आपकी जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है और आपको स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस के बारे में भी पता हो कि सपोज स्टूडेंट ने कुछ ऐसा आंसर किया जिससे आपको पता तो चल रहा है कि उसके अंदर कोई मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ने ऐसा क्यों कहा और उस मुताबिक आपको फिर उसे समझाना होगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एक्टिव एंगेजमेंट एंड ऑनगोइंग असेसमेंट टू एश्योर इफेक्टिव कॉन्सेप्चुअल चेंज। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, अभी अभी आप उसका जो जितना भी मिसकंसेप्शंस है, ऐसा नहीं है कि आपने चुटकियों में उसको ठीक कर दिया, इसको करने में आपको समय लगेगा। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यहाँ पर स्टूडेंट एंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रॉपर असेसमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक में क्या मिसकंसेप्शंस है। और धीरे धीरे आप अगर इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे, जो रेक्टिफाई करने के जो वेज मैंने बताया इनको आपने अगर फॉलो किया होगा, तो ज़रूर जो बच्चा है वो अपने मिसकंसेप्शंस को रिप्लेस कर पाएगा विद करेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। सो आशा करती हूँ कि ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस एक्चुअली क्या चीज़ है और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो आपको मैं प्रॉपरली समझा पाई। अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस इन साइंस से जुलाई 2024 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने साइंस पेडागोजी की इस टॉपिक को करवाया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल सुनीता अकेडमी से जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस आते रहते हैं उसकी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपसे कोई भी कॉन्टेंट न छूटे। तो ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।